नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है एक नया वीडियो सेशन लेकर जिसमें हम बात करेंगे लेवल 4 के CBSE के पैटर्न पर रिवीजन बूस्टर सीरीज़। सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे और सभी को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं। और सभी की हेल्प के लिए हमने एक बूस्टर वीडियो बनाने का प्रयास किया है और समय की उपलब्धता के अनुसार इसकी एक नेक्स्ट सीरीज़ भी निकालेंगे। तो चलिए बूस्टर सीरीज़ 1 की जो कड़ी है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी यूनिट 1 थी वो मेजरिंग एंड सर्विस इक्विपमेंट के नाम से जानी जाती है। मेजरिंग एंड सर्विस इक्विपमेंट, जिसमें मापन और सर्विसिंग वाले जो हमारे उपकरण हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मेजरिंग एंड सर्विस इक्विपमेंट के एग्जाम्पल्स दो, तो आप उसमें कंप्रेसर, टायर इन्फ्लेटर, व्हील बैलेंसर, स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर, उसमें 4 नेम उनके लिखकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं खाली हम अभी केवल कंप्रेसर की। यदि कंप्रेसर की डेफिनेशन आपके पास आती है तो व्हाट इज़ कंप्रेसर? कहते हैं इट इज़ अ मशीन दैट कन्वर्ट्स पावर इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जो पावर है उसमें बनती है, जो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में, जो कि कहाँ पे स्टोर होती है? प्रेशराइज्ड एयर के रूप में, ताकि जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो वो प्रेशराइज्ड एयर के रूप में हमें वो सप्लाई दे सकें। यह एक मशीन है जो कि पावर को संपीड़ित हवा प्रेशराइज एयर के रूप में इकट्ठी होने वाली पोटेंशियल एनर्जी में बदलती है। इंग्लिश मीडियम वाले इस टाइप से लिख सकते हैं और हिंदी माध्यम वाले इस प्रकार से। अब जो इसके मेजर टाइप रहेंगे कंप्रेसर के, वो ये रहेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एयर कंप्रेसर और एक होता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। इसके बाद है हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के यदि हम टाइप देखें तो उसके आगे फर्दर भी टाइप हैं 3, पिस्टन टाइप, रोटरी स्क्रू टाइप, वेन कंप्रेसर। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये पिस्टन की बेसिस पे काम करता है अप डाउन मूवमेंट से। ये रोटरी स्क्रू, इसमें जो दो स्क्रू होते हैं इस टाइप से चूड़ीदार ऐसे ऐसे, इसके बीच में जो एरिया है यहाँ पे हवा जाती है, इसके बेसिस पे काम करता है। वेन टाइप में क्या रहता है, इसमें मान लीजिए दो इस टाइप से गेयर होते हैं तो उनके बीच में जो एरिया है उस हिसाब से कंप्रेस होती है। तो ये बेसिस आपने पढ़े होंगे अपनी स्टडी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर एंड ऑन द अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रेशर, यदि प्रेशर की बेसिस के हम ऊपर हम देखें तो हमारे उसके कितने प्रकार रहेंगे कंप्रेसर के। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा लो प्रेशर। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है जो कि 150 PSI और उससे कम की जो रेंज होती है उस प्रेशर को वहन करता है। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है 150 PSI और इससे कम। मीडियम प्रेशर वाले क्या रहेंगे, 150 PSI से एक ऊपर रेंज से स्टार्ट होगा और 1000 PSI के बीच में उसकी प्रेशर रेंज रहेगी। उस प्रेशर को वो हो बियर कर सकता है, उस प्रेशर रेंज का जो प्रेशर है एयर का वो कंटेन रखता है, उसमें मतलब मेंटेन रखता है। हाई प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर जब 1000 PSI से भी ऊपर की हमारी नीड हो, कमर्शियल हमारे जो ऐसी प्लांट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पर हमें कोई ऐसा प्रेशराइज एयर के रूप में हमें वहाँ पर हवा चाहिए होती है हाई प्रेशर के रूप में, तो हम वहाँ पे 1000 PSI से ऊपर की रेंज के हाई प्रेशर रेंज के कंप्रेशर यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि हम PSI की, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसकी PSI की फुल फॉर्म क्या थी, तो PSI की हमारी फुल फॉर्म रहेगी पाउंड स्क्वायर पर इंच, या पाउंड पर स्क्वायर इंच कह सकते हैं। पाउंड पर स्क्वायर इंच में कितने पाउंड हमारी मतलब एयर कंटेन रहती है, तो उसके हिसाब से हमारी PSI यूनिट बनती है। और HP क्या है, HP भी उसकी कैपेसिटी होती है कितने हॉर्स पावर का हमारा वो कंप्रेशर है। आगे है एक CFM भी एक यूनिट है उसको मापने की, क्यूबिक फिट एयर पर मिनट, एक मिनट में कितने क्यूबिक फिट, क्यूब्स में मतलब जाने यदि हम उसका वॉल्यूम देखें तो कितने क्यूबिक फिट एक मिनट में एयर वहाँ पर उसमें पहुँच जाती है, तो उसको भी हम CFM में नापते हैं। तो ये 3 फुल फॉर्म आपकी उसी चैप्टर में से निकलती हैं, तो हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आपकी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी इसी बहाने से। एप्लीकेशन एंड यूजेस, एप्लीकेशन भी आ सकता है एग्जाम में आपके पास, यूजेस भी आ सकता है। एप्लीकेशन का मतलब भी प्रयोग होता है, यूजेस का मतलब इसको अनुप्रयोग भी बोल देते हैं कई बार। इट इज यूज्ड फॉर पावरिंग टूल्स,
जो पावर वाले टूल होते हैं जिसमें हमारे हाथों की बजाय हम किसी अन्य पावर का यूज़ करके कोई कार्य करना चाहते हो, जैसे जैक हैमर हो गया, पावर हैक्सा भी हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रिकल से चलने वाले, जैसे मान लीजिए, मान लो न्यूमेटिक रेंच भी बोल देते हैं इसको। तो इस प्रकार से जैसे हमारे पेंटिंग के वर्क होते हैं, हमने वहाँ पे स्प्रे करना होता है, तो वहाँ पर भी हम एयर कंप्रेसर का यूज़ करते हैं न्यूमेटिक गन में। और न्यूमेटिक हमारे जो वो होते हैं रेंच होते हैं, जहाँ पर हमने गाड़ियों के पहिए खोलने होते हैं हवा की मदद से, उसमें वहाँ पर भी हम कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। फॉर फिलिंग टायर्स, टायर की भरने के लिए, उनको हवा भरने के लिए प्रयोग करते हैं। इट इज़ यूज इन ऑफिसज एंड स्कूल बिल्डिंग, HVAC कंट्रोल सिस्टम वाल्व। HVAC क्या होता है? हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल वाला AC होता है, ये आजकल बसेस के ऊपर भी आपने देखा होगा, इस तरह से HVAC सिस्टम लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं हीटिंग वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम। ये होता क्या है कि अपने हिसाब से, वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से उतनी ही हीट प्रोवाइड करा देता है यदि सर्द मौसम है, और उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम उसको ऑटोमेटिक मोड पे रखते हैं, उतनी ही हमें कूलिंग प्रोवाइड करा देता है, जिसमें वह एक नेचुरल पर्सन को नेचुरल एयर वहाँ पर मिले और नेचुरल ब्रीथिंग की फीलिंग आए उसमें। कार वॉशर क्या है? इट इज़ एन इक्विपमेंट यूज फॉर वॉशिंग कार और अदर व्हीकल्स, या कार और अन्य वाहनों को धोने के लिए इक्विपमेंट है, फिर भी इसको कार वॉशर बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कार तक लिमिटेड है, अदर व्हीकल्स को भी हम इसमें वॉश कर सकते हैं। इसके यदि हम मेजर पार्ट देखें, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं इसमें, तो इलेक्ट्रिक मोटर आती है इसमें, मोटर की सहायता से हम उसको पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएंगे, ट्रांसमिट करेंगे। वाटर पंप हो गया, पंपिंग के मोटर के साथ ही लगा होगा वो, उससे ड्राइव लेगा ये। वाटर टैंक हो गया जहाँ पे स्टोर करेंगे, स्प्रे नोजल होगी जहाँ से हम हाई प्रेशर उससे प्रोड्यूस करते हैं। वाटर की पाइप होगी जितनी लेंथ तक ले जाना है। कंट्रोल वाल्व है कहाँ तक हमने प्रेशर कंट्रोल करना है। सेफ्टी वाल्व है इससे ऊपर रेंज ना जाए। वी बेल्ट एंड पुली होगी जिसके साथ वो पंप और वो मोटर आपस में जुड़े होते हैं। प्रेशर गेज होगी कि किस प्रेशर तक जा रहा है उसको हम देख सकें, उस पर मॉनिटरिंग कर सकें। तो ये इसके मेजर कंपोनेंट रहेंगे कार वाशर के, ये भी आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा लेवल 4 का कंटेंट है, यदि आपको बता दिया जाए CBSE का, NSKF का लेवल 4 का ऑटोमोबाइल का, तो इसका जो पैटर्न है उसमें यही है कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे ज़्यादा रहते हैं। 70 से 80% का जो हमारा करिकुलम है, जैसे मान लीजिए 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आना है, तो उसमें 40 मार्क्स के अराउंड आपका, 40 से 50 मार्क्स के अराउंड आपके 2 मार्क्स तक और 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के कुछ ही क्वेश्चन हैं उसमें। तो आप यदि किसी भी कंपोनेंट की, उसके जो भी चैप्टर के सभी पार्ट्स की डेफिनेशन और उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रेडी कर लेते हैं, तो मतलब आपके लिए 70 to 80% मार्क्स अचीव करना कोई मतलब मुश्किल कार्य नहीं है। टाइप क्या रहेंगे इसके हमारे कार वॉशर के? मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल का मतलब क्या है कि आप खुद से वॉशिंग करें। ऑटोमेटिक में क्या है कि एक बंद कंटेनर में या बंद एक प्लेस में आपके 3 तरफ से ढका होता है, एक तरफ से कार की एंट्री रहेगी हमारी, तो उस तरफ से यदि आप जाते हैं तो आपने कार वहां पर पार्क कर देनी है और उसके बाद अपने आप ही उसकी रेलिंग चलती है। आपने देखा भी होगा TV या YouTube पे कि वहाँ पे अपने आप ही कार को वॉशिंग कर, पहले साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग के लिए पहले फ्रेश वाटर आता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर ब्रशिंग चलती है, फिर उसके ऊपर मतलब फोम बेस गिराया जाता है, फिर उसके बाद उसकी फिर क्लीनिंग होती है ब्रशिंग के साथ, फिर उसके बाद उसकी ड्राइंग भी होती है, उसको सुखाया भी जाता है अपने आप ही, और बाद में जब कार पूरी रेडी हो जाती है फिर हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये यदि आपसे पूछा गया तो सबसे पहले ऑटोमेटिक कार वॉशर कब दिखाई दिए, तो 1930 में दिखाई दिए। हो सकता है आपसे ये टाइम पीरियड पूछ सके क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास टायर इन्फ्लेटर। टायर इन्फ्लेटर क्या है? टायर में हवा भरने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि टायर में हवा भरने के लिए प्रयोग होता है, हवा इन्फ्लेट करने के लिए भी होता है, डीफ्लेट करने के लिए भी होता है। आपने देखा होगा कि जब हम टायर में हवा भरवाते हैं, कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको फिर प्रेस करके वहाँ से वो हवा निकाल, रिलीज भी कर देते हैं, तो रिलीज़ करने के लिए भी होता है और चेक करने के लिए भी होता है कि हवा में प्रेशर कितना है। तो 3 कार्य करता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड चेकिंग अप द एयर प्रेशर, तीनों कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि टायर में हवा भरने के लिए, निकालने के लिए और हवा का प्रेशर जांचने के लिए। 2 प्रकार के होते हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक। मैनुअल में क्या रहेगा कि आप अंदाजे से उसमें हवा भरते जाएंगे,
यदि थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो आप उसको निकाल देंगे। इस टाइप से हमारा मैनुअल जो हमारा टायर इन्फ्लेटर है वो काम करता है, लेकिन ऑटोमेटिक में एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा आ जाती है कि मान लीजिए हमने 35 पाउंड उसमें सेट कर दिया कि 35 पाउंड पर हमने इसमें हवा भरनी है, तो उसमें वो 35 पाउंड के बाद अपने आप ही बीप करके कट कर जाएगा, तो एक्चुअल 35 पाउंड उसमें एयर है जो हमारी इन्फ्लेट हो जाएगी। आगे कहाँ पर यूज़ होते हैं? सर्विस स्टेशंस पे यूज़ होते हैं, गैरेजेस पे, टायर शॉप्स पे, और आपको बता दूँ जो हमारे फिलिंग पंप होते हैं, पेट्रोल फ्यूल फिलिंग वाले स्टेशन होते हैं, वहाँ पर भी आजकल आपको टायर इन्फ्लेटर, ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेटर मिलते हैं, देखा होगा आपने। स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर, स्पार्क प्लग क्लीनर एंड टेस्टर भी एक इक्विपमेंट है। किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू क्लीन एंड टेस्ट स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग को साफ करने के लिए और उसकी टेस्टिंग करने के लिए। और इसके देर आर टू ब्लास्ट विच आर गिवन टू स्पार्क प्लग, इसके बारे में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया है कि हो सकता है इसकी वर्किंग आपके पास 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाए, तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 लाइन्स इसके बारे में पता हो तो आप उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें देर आर टू ब्लास्ट, इसमें क्या दो प्रकार के ब्लास्ट होते हैं विच आर गिवन टू स्पार्क प्लग, जो कि स्पार्क प्लग को दिए जाते हैं, एयर ब्लास्ट और सैंड ब्लास्ट। और यदि आपको लगता है कि हमारी वीडियो की स्पीकिंग की जो स्पीड है वो ज़्यादा है या कम है, या आपकी रेंज से आपको जल्दी से वीडियो जाननी है, या आप इसको धीरे से सुनना चाहते हैं, तो आपने इसमें एक सेटिंग का ऑप्शन आता है यूट्यूब वीडियो में, उस पर क्लिक करके आप उसकी स्पीड को बढ़ा या कम कर सकते हैं अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग होल प्रोसेसेस, सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए स्पार्क प्लग क्या किया जाता है? फिर टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर तो क्लीनिंग होगी दोनों, पहले उसके ऊपर क्या किया, सैंड ब्लास्ट चलेगी, ये 1 नंबर पे चलेगी सैंड ब्लास्ट, मतलब ये एमरी पेपर का काम करेगी, उसके ऊपर जो कालिश है, जो उसके ऊपर अशुद्धियाँ लगी हुई हैं, उसमें कण चिपके हुए हैं जो स्पार्क प्लग के अंदर, वो उसको ये उसको रगड़ देगी, रबिंग कर देगी। उसके बाद अब उसको निकालना भी है, वो कण तो वहीं रह गए, तो एयर ब्लास्ट करने से वो कण उसमें से निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं उससे। आफ्टर कंप्लीटिंग होल प्रोसेसेस स्पार्क प्लग इज टेस्टेड फॉर गैप एंड स्पार्क, स्पार्क की भी टेस्टिंग की जाती है और गैप की भी। उसके अंदर ही एक ग्लास का पैनल बनाया जाता है और उसके ऊपर स्पार्क प्लग जालने की सॉकेट होती है, स्पार्क प्लग यदि हम उसमें फिट करते हैं सॉकेट में, और पीछे से क्लैंपिंग के लिए एक पावर की हमारी हाई टेंशन वायर दी गई होती है उसमें टेस्टिंग के लिए। तो जब हम उसमें हाई टेंशन वायर लगाते हैं, तो उसके बाद हमारा क्लिपिंग केबल के बाद हम उसकी स्पार्क प्लग का जो कलर है उसमें, वो जो हमारा ग्लास का ब्लैक कलर का पैनल दिया जाता है, हम उसमें चेक कर सकते हैं। और इसको कितने प्रेशर पे वहाँ पर हम चेक करते हैं, जब हमने वहाँ पे एयर दी जाती है, तो 125 to 150 PSI का प्रेशर रेंज रहता है। आगे चलते हैं हम, आगे है व्हील बैलेंसर। व्हील बैलेंसर है जो हमारा, ये भी एक ऐसा इक्विपमेंट है जो क्या करता है, हमारे टायर की बैलेंसिंग के लिए होता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा यहाँ पे कवरिंग होती है और यहाँ पे हमारा टायर लगता है, और इस तरह का एक बेंच टाइप सिस्टम बना होता है, और यहाँ पे हमारा पैनल लगा होता है जहाँ पे हम इसकी डायमेंशनिंग करते हैं। टायर लगाकर हम यहाँ पे डायमेंशन सेट करते हैं कि हमारी इससे डिस्टेंस कितनी है और इसकी टायर की जो इनर वो है, रेडियस है, वो कितनी है, यहाँ पे भरते हैं। फिर उसके बाद इसको कवर को कवर अप कर देते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से एरो टाइप इस तरह की रीडिंग आती है, यहाँ पे मान लीजिए 25 आ गई और यहाँ पे मान लीजिए 50 आ गई, तो इट मीन्स क्या है कि हमारे इधर है जो 25 ग्राम का वेट लगेगा, ग्राम्स में वेट होता है, और हमारे इस तरफ है जो 50 ग्राम का वेट लगेगा। तो हम यहाँ पर इसकी लोकेशन भी आती है, इस टाइप से हमारा एरो बना होता है, जहाँ पर ये एरो ये आना बंद हो जाए और इस तरह से आना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब हमने वहाँ पर यहाँ पे फुट पैडल से ब्रेक करके इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पे वो हमारा वेट लगा देना है, फिर इधर भी लगा देना है। वेट लगाने के लिए यहाँ पे एक हैमर दिया होता है हमें, तो उससे हम क्लैंपिंग हैमर होता है एक किस्म से, उससे हम वेट रिमूव भी कर सकते हैं, और उसके दूसरी साइड से हम उसको हैमर करके मतलब स्ट्राइक करके उस पर ठोक भी सकते हैं, उसको फिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको जब दोनों तरफ का ये लगा के फिर रोटेट देंगे, हो सकता है कि दोबारा भी वेट मांग ले, या हो सकता है यहाँ पर 0-0 आ जाए। यदि 0-0 आ जाता है तो हमारी जो व्हील बैलेंसर है वो बैलेंस हो जाती है। और कौन से वाला बैलेंस होती है? दो टाइप के जो हमने यहाँ लिखे हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, इसमें होती है डायनेमिक। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है? ये हमारी जो बैलेंसिंग है ये मैन्युफैक्चरर लेवल पर पहले से ही होके आती है, वहाँ पर वो चेक कर लेते हैं स्टैटिकली कि यह जब व्हील रोटेट कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर रोटेट कर रहा है, या इसमें कोई लंगर या कोई बैंड तो नहीं है, इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
तो यदि वो होती है तो वहीं पे रिजेक्ट या क्वालिटी कंट्रोल में वहीं से सिस्टम उसका सेट होके आता है, क्वालिटी चेक होके आता है। अब इसकी व्हील बैलेंसिंग का फायदे क्या क्या है, इट कैन एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है कम करना, वबलिंग। वबलिंग क्या होती है, हमारी गाड़ी इस प्रकार से कांपती है उसको बोलते हैं वबलिंग। तो वबलिंग है WOBBLING, वबलिंग करने के लिए जो हमारी कम कर सकती है ये हमारी व्हील बैलेंसिंग। इट कैन एलिमिनेट वाइब्रेशन, इससे वाइब्रेशन भी कम होगी और इम्प्रूव टायर वियर। जब हमारी वाइब्रेशन कम होगी, टायर की वबलिंग कम होगी, तो टायर की घिसावट तो अपने आप ही इसमें कम हो जाएगी, तो वो इम्प्रूव टायर की जो वियर है उसको भी इम्प्रूव सुधार देती है। इसके बाद एक एक्सल का टॉपिक आता है हमारे पास। एक्सल क्या है, एक्सल एक इंटरमीडिएट बीच की एक शाफ्ट है, जैसे मान लीजिए ये टायर है, ये टायर है, इसके बीच की इंटरमीडिएट शाफ्ट है, सिंगल भी हो सकती है और टू पीसीज में भी हो सकती है। तो क्या है, क्या काम करती है, विच इज़ यूज टू सपोर्ट और रोटेट व्हील, सपोर्ट का भी काम करती है इसको, रोटेट का भी। आप सपोर्ट सपोर्ट खाली करेगी तो उसको बोलेंगे हम डेड एक्सल, जिसमें रोटेट नहीं कर रही, बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। अब आपने देखा होगा, मान लीजिए हमारी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो उसके पिछले पहियों को क्या कर रहे हैं, एक्सल ओनली सपोर्ट कर रहे हैं, और यदि हमारी रियर व्हील ड्राइव है तो फ्रंट वालों को वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रंट वाले उसमें डेड एक्सल हो गए रियर व्हील ड्राइव में, और फ्रंट व्हील ड्राइव में रियर व्हील वाले एक्सल जो हमारे क्या हो गए, डेड हो गए। फोर व्हील ड्राइव में चारों के चारों हमारे लाइव हैं। लाइव वाले क्या करेंगे, नॉट ओनली सपोर्ट, कि सपोर्ट ही नहीं करते बल्कि, केवल सपोर्ट ही नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, बट आल्सो ड्राइव द व्हीकल या रोटेट द व्हीकल, व्हीकल को घुमाते भी हैं, दोनों काम करेंगे, सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसको पावर भी दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक हमारे पास स्टीयरिंग ज्योमेट्री का एक पार्ट आता है, अकरमैन स्टीयरिंग प्रिंसिपल। अकरमैन का स्टीयरिंग प्रिंसिपल है, इसके भी 2 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल काइनेटिक लिंकेज ऑफ आर फोर व्हील्स शुड बी अरेंज इन सच वे, जो उनकी आपस में लिंकेज है इस टाइप से, ये जो लगी हुई है, जुड़े हुए हैं, इनको इस प्रकार से जुड़ी होनी चाहिए कि जो इनका सेंटर ऑफ रोटेशन है, जिसके सेंटर के चारों ओर घूम रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट निकाला, इसका भी सेंटर पॉइंट निकाला, इस व्हील का भी निकाला, तो जहाँ पर भी मिलें तो एक पॉइंट पे जाके ये मिलें, कोइंसाइड करें, प्रतिच्छेद करें, एक पॉइंट पे जाके इस टाइप से मिलें, सॉरी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारी लिंकेज बनाई जाती है। इस प्रिंसिपल को ही, सिद्धांत को क्या बोलते हैं हम, अकरमैन स्टीयरिंग प्रिंसिपल। ये हमारी स्टीयरिंग ज्योमेट्री को डिजाइन करने का एक तरीका है। स्टीयरिंग ज्योमेट्री होती क्या है, स्टीयरिंग ज्योमेट्री क्या है, इज डिफाइंड एज ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्टीयरिंग। स्टीयरिंग सिस्टम का क्या है, कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है कि इसमें ये इस टाइप से एक टोइन रखी गई है, ये टो आउट रखी गई है, ये कैम्बर है, ये कैस्टर है, जिसके बारे में हम आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो किसी स्टीयरिंग सिस्टम के भागों का ज्यामितीय प्रबंधन क्या कहलाता है, स्टीयरिंग ज्योमेट्री। टर्म्स कौन कौन सी आती हैं, यदि पूछा जाए कि स्टीयरिंग ज्योमेट्री में टर्म्स, शब्दावलियाँ कौन कौन सी आती हैं, तो कैम्बर, कैस्टर, किंग पिन, इंक्लिनेशन, टो एंगल, स्क्रब रेडियस, टर्निंग रेडियस, तो ये हमारी क्या आएगी, शब्दावली आएंगी। तो सबसे पहले हम शब्दावली को कवर करते हैं, कैम्बर को। इट इज डिफाइंड एज द टिल्ट ऑफ कार व्हील, कार व्हील का टिल्ट मतलब झुकाव, कार व्हील का झुकाव, व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से हम कार के व्हील को देखें, ये कार के व्हील्स हैं, इसको हम अगली तरफ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ये कार के व्हील हैं, ये कार के व्हील हैं, इसको हम अगली तरफ से देख रहे हैं, यहाँ से सामने से खड़ के। तो यदि ये फ्रंट साइड से इस टाइप से खड़े हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा टायर है, तो इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से फ्रंट से, तो यदि हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ऊपर से वर्टिकल से बाहर को है, यदि ऐसे है तो इट मींस क्या है, पॉजिटिव कैम्बर है ये झुकाव, और यदि ये अंदर को है तो ये क्या है, नेगेटिव कैम्बर है, और यही झुकाव को हम क्या बोलते हैं, टोटली कैम्बर बोलते हैं। जो इसका सेंटर एक्सिस है, स्ट्रेट है, उससे यदि ये लेफ्ट या राइट को किधर को है, इस पे डिपेंड करता है हमारा। इसके बाद है हमारा, वाहन को सामने से देखने पर वर्टिकल से झुकाव को क्या कहते हैं, कैम्बर। यदि यह झुकाव ऊपर से तरफ से बाहर की तरफ हो तो इसे पॉजिटिव कैम्बर कहेंगे। इफ द टिल्ट इज आउटवर्ड एट द टॉप, कैम्बर इज पॉजिटिव, एंड इफ द टिल्ट इज इनवर्ड एट द टॉप ऑफ द व्हील, कैम्बर इज नेगेटिव। अब कैम्बर को एक और नाम से भी कहा जाता है, व्हील रेक, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड व्हील रेक। व्हील रेक किसको कहा जाता है, कैम्बर को।
और किस तरह मापा जाता है, क्या यूनिट है इसकी डिग्रीज में। तो हमारी जो रेंज रहती है कैम्बर की वो 0 से 2 डिग्री रहती है। इस पर ज़रा ध्यान दें, ये क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस है 1 मार्क में। कैम्बर जो है हमारा 2 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन में कम से कम 2 to 3 लाइन्स हमारी रहेंगी। एक हमारी टर्म है टर्निंग रेडियस, कि टर्निंग रेडियस क्या होती है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, किसी एक ऐसे सर्कल की रेडियस जिस सर्कल पे हमारी आउटसाइड फ्रंट व्हील्स, जो हमारे फ्रंट व्हील हैं, ये आउटसाइड की बाहर की तरफ मूव करें। और कहाँ पे मूव करें, जब हमारे फ्रंट व्हील क्या हो, एक्सट्रीम आउटर पोजीशन में, पूरी आउटर पोजीशन में हो भी, उससे बाहर नहीं जाएंगे मोड़ काटते हुए, बस लास्ट जहाँ तक जा रहे हैं, मतलब ये वाला सर्कल लास्ट पूरा कर रहे हैं मोड़ काटते हुए, इसके बाद वापस आएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे पहुँच गए ये वापस, तो ये मैक्सिमम जो इसके सेंटर पॉइंट से रेडियस बनती है हमारी, जो इन दोनों का सेंटर पॉइंट जहाँ पे कोइंसाइड करता है प्रतिच्छेद, वहाँ से ये दूरी है जो ये क्या कहेगी, एक सर्कल बनाएगी, इसको बोलते हैं टर्निंग रेडियस। और देखा जाए, आपने कभी कार के रिव्यू भी पढ़े हों, तो जितनी कम टर्निंग रेडियस होगी उतने कम स्पेस पे हमारा व्हील क्या करेगा, टर्न कर जाएगा। तो ये कम से कम होनी ज़्यादा बेहतरीन रहती है गाड़ी के लिए। स्टेयरिंग गेयर बॉक्स, इट इज़ गेयर बॉक्स, यह एक ऐसा गेयर बॉक्स है विच इज़ यूज्ड इन स्टेयरिंग सिस्टम फॉर टर्निंग ऑफ फ्रंट व्हील्स। फ्रंट व्हील को टर्न करने के लिए स्टेयरिंग सिस्टम में यूज़ किए जाने वाले को गेयर बॉक्स को क्या बोलते हैं, हम स्टेयरिंग गेयर बॉक्स। और ये क्या काम करते हैं, ये हमारे गेयर की रिडक्शन करते हैं, जो हमारी टर्निंग व्हील हैं, जो हमारी स्टेयरिंग व्हील है उसकी जो टर्न है उसके हिसाब से उसके टॉर्क को आगे क्या कर देते हैं, बढ़ाकर उसको टर्न लेने में मदद करते हैं। तो जो इसकी गेयर की रिडक्शन की रेशियो होती है, अनुपात होती है, वो क्या होती है हमारी 10:1 से लेके 20:1 हमारा जो रेशियो रहता है कार्स में रहता है, और ट्रक्स में क्या रहता है 20:1 की रेंज ही रहती है उसमें। इसके बाद टाइप क्या क्या है इसके, व्हील वॉम एंड सेक्टर, वॉम एंड पैग, ये किसके टाइप है, ये स्टेयरिंग बॉक्स के। वॉम एंड रोलर, रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन बड़ा फेमस टाइप है, ये कार्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइट व्हीकल्स में भी ज़्यादा यूज़ होता है। वॉम एंड नट विद रीसर्कुलेटिंग बॉल, ये आपके 4-5 टाइप हैं। हो सकता है आपके पास ये क्वेश्चन है कि कुछ स्टेयरिंग बॉक्स के टाइप्स के नाम बताइए, या किन्हीं 4 प्रकार के नाम बताइए, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। मेजर टाइप ऑफ स्टेयरिंग सिस्टम कौन से टाइप, स्टेयरिंग सिस्टम के टाइप पूछे जाएं यदि आपसे, तो मेजर कौन से टाइप रहेंगे, मैनुअल एंड पावर। मैनुअल में क्या है कि सिर्फ आपके में सिर्फ आपके हाथों का, हैंड का जो एफर्ट लग रहा है, लेकिन पावर में आपके हाथों के एफर्ट के साथ साथ एक कोई और पावर भी कार्य करती है, जिससे आपके हाथों का एफर्ट है वो कम हो जाता है। पावर स्टेयरिंग सिस्टम इज एम्प्लॉयड, लगाया जाता है टू रिड्यूस, घटाने के लिए द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील से को घुमाने के लिए जो एफर्ट है उसको घटाने के लिए क्या किया जाता है, पावर स्टेयरिंग सिस्टम लगाया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो इसके 2 प्रकार हैं, हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक। पहले चलता था ज़्यादातर हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग, लेकिन अब आजकल क्या चलता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग, इसको EPS भी बोलते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर के जरिए इसको एफर्ट को बढ़ाया जाता है, कि जो हम साथ में घुमा रहे होते हैं जिस तरफ से, उस तरफ से ही एक मैग्नेटिक सिस्टम जनरेट किया जाता है, जिसमें वो मोटर हेल्प करके हमारे साथ साथ अपनी भी पावर एक लगाती है, और पहिए उसको मतलब एक पुश देती है, जिससे हमारी टर्निंग बड़ी कंफर्टेबल और इजी हो जाती है। आगे है एमिशन। एक आपके 6 यूनिट में से मैंने कुछ टॉपिक लिए हैं, कि यदि हम मान लीजिए कि अगली वीडियो में, मतलब जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक होंगे वो हम अगली बूस्टर सीरीज़ में कवर कर लेंगे, तो 6 यूनिट में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे कवर करने सही लगे। तो एमिशन क्या है, एमिशन जो भी हम मतलब रिलीज करते हैं, चाहे हम ह्यूमन है बीइंग है, चाहे कोई वाहन हो गए, चाहे कोई इंडस्ट्री है, चाहे कोई पशु पक्षी हैं, किसी भी थिंग के द्वारा कोई गैसेस फ्लो में या लिक्विड फॉर्म में कोई भी रिलीज करते हैं, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो किसी भी प्रकार से यदि वो रिलीज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एमिशन, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ा करते थे, उत्सर्जन। एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, तत्व, रिलीज इन टू द एयर फ्रॉम नेचुरल और ह्यूमन सोर्सेज, प्राकृतिक साधनों के द्वारा या मानव संसाधनों के द्वारा, चाहे वो गैसों का बहाव हो, चाहे वो लिक्विड की बूंदें हों, चाहे वो ठोस पार्टिकल हों। प्राकृतिक एवं मानव स्रोतों जैसे कि गैसों के भाव, तरल की बूंदें या ठोस कणों आदि के रूप में हवा में छोड़े गए किसी प्रकार के पदार्थों को एमिशन कहते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, पॉइंट सोर्सेज, किसी एक जगह से कोई चीज़ निकलना तो उसको बोलेंगे पॉइंट सोर्सेज। एरिया सोर्सेज,
किसी पर्टिकुलर एरिया से, जैसे मान लीजिए कहते हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया, कहते हैं कि वो सारा एरिया क्या है, इंडस्ट्रियल है, तो वहाँ पे पूरी इंडस्ट्री है, तो वो क्या बन गया, एक एरिया सोर्स हो गया, वहाँ से काफ़ी मात्रा में उत्सर्जन निकलेगा, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल निकले, केमिकल निकलेंगे, चाहे वो गैसेज की फॉर्म में निकले। मोबाइल सोर्स मतलब गतिशील स्रोत है कि एक जगह से, मान लीजिए कोई एक जगह पहले यहाँ पे थी वो चीज़ जो छोड़ रही थी, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ पे, तो कौन से होते हैं वो, हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वो सारे ऑटोमोबाइल्स जितने भी हमारे हैं वाहन हैं वो सारे किस में आते हैं, मोबाइल सोर्स में, जहाँ पे उनसे जो गैसें निकलती हैं। तो मान लीजिए एक एक वाहन आज सुबह तो दिल्ली है, तो वहाँ पे उत्सर्जन कर रहा है, वो गैसें छोड़ रहा है, और बाद में वो रोहतक पहुँच गया, फिर उसके बाद अम्बाला, फिर पंचकूला, ऐसे जगह जगह, तो उसका एक फिक्स पोजिशन नहीं है। ऐसे ही नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक सोर्सेज, अपने प्राकृतिक रूप से किसी प्रकार से कोई ऐसी रिलीज होना, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एक जानवर ने दूसरे जानवर को खाया, उसके बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल बच गया वो वातावरण में रह गया, उससे जो मतलब केमिकल रिएक्शन पैदा हुई, उससे जो बदबू पैदा हुई, वो भी क्या है, एक हमारा प्राकृतिक सोर्सेज है। या जंगलों में आग लग गई एकदम से, तो वहाँ पर धुआं जो पैदा हुआ वो भी क्या है, हमारा प्राकृतिक सोर्स है। रोड साइन क्या है, हमारे सड़क संकेत, कोशनरी साइन, पहला है हमारा कोशनरी साइन। कोशनरी साइन किसको बोलते हैं, चेतावनी संकेत, इसको बोलेंगे कोशनरी साइन, इसका मतलब हिंदी में होगा चेतावनी संकेत। किस प्रकार से होते हैं, ट्रायंगल फॉर्म में होते हैं, रेड कलर में, और इसमें इसके अंदर ही एक डायरेक्शन या किसी प्रकार की इंडिकेशन दी गई होती है। मैंने एक एग्जांपल दिया, आप नेट से सर्च कर सकते हैं, और कम से कम आपको 10 से 12 इसके एग्जांपल आने चाहिए, हो सकता है ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगी कि कोई 5 आप रोड साइन ड्रॉ कीजिए, ये पिछले सालों के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, तो आपको 5-5 से 10-10 एग्जाम्पल सभी रोड साइन के आने चाहिए। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं राइट टर्न अहेड, भी आगे क्या है, दायां मोड़ है। ऐसे मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अति आवश्यक साइन, और इसमें भी आगे दो प्रकार होते हैं, कंपलसरी वाले हैं कुछ, और एक प्रोहिबिटेड वाले हैं। कंपलसरी का मतलब ये करना बहुत जरूरी है, ये करना जरूरी है, मतलब ये तो हो गया आवश्यक जरूरी है, ये नहीं बताया कि करना जरूरी है या नहीं करना। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक तो करना जरूरी है, एक नहीं करना जरूरी, भी ये काम तो करना ही पड़ेगा और ये काम नहीं करना। ये काम जो करना पड़ेगा, इसके साइन कौन सा होगा, राउंड में ब्लू में, यहाँ पर वाइट कट में कुछ शो किया होगा आपको, तो वो क्या होंगे हमारे मतलब कंपलसरी वाले साइन होंगे। तो आप कंपलसरी रोड साइन जब आप लिखेंगे ब्लू कलर में, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कंपलसरी गाइड, भी आपको कंपलसरी रूप से आगे जाना है, आप साइड में ना तो लेफ्ट मुड़ सकते हैं ना राइट मुड़ सकते हैं। और इस वाले में क्या है, इस वाले में देखिए एक सीधा एरो लिखा हुआ है, एक राइट से ऐसे ओवरटेकिंग का साइन है, और उस पर क्रॉस लगा हुआ है, ये रेड कलर से होते हैं। अभी मेरे पास स्केच पेन के अनअवेलेबिलिटी के कारण मैंने आपको ब्लू कलर से ही इसको डिज़ाइन कर दिया, वैसे ये रेड कलर में होते हैं, और इसमें रेड कलर का इस तरह क्रॉस लगा होता है। इसका मतलब क्या है कि ओवरटेकिंग है जो वो प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे इस रोड के ऊपर जहाँ पे ये लगाया गया है 200 मीटर पहले, वो उस एरिया इलाके में, उस एरिया में ओवरटेकिंग करने की मनाही है, और यदि आप करते हो तो आपका चलान भी हो सकता है वहाँ पर। इन्फॉर्मेटरी साइन, ये आपको सिर्फ सूचना देंगे कि आगे क्या है, किस प्रकार का कोई चेंज हो रहा है। तो ये जैसे पी का साइन है, पी मैंने पार्किंग, और पी के पार्किंग के नीचे एक एरो है राइट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है कि पार्किंग है जो आपकी वन साइड में ही हो सकती है, एक साइड में ही, दूसरी साइड में नहीं। यदि दोनों तरफ का एरो होगा तो पार्किंग बोथ साइड है। तो ये इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमें सूचना देता है। एक हमारा स्क्रब रेडियस का एक रहेगा टॉपिक, इसमें स्क्रब रेडियस में क्या रहेगा हमारा कि यह स्टेयरिंग अक्ष और सड़क पहिए के अक्ष के बीच की उस बिंदु की दूरी है जहाँ से दोनों सड़क तल को छूते हैं। यानी कि यदि हमारी ये किंग पिन है जो स्टेयरिंग के साथ जुड़ी हुई है, इसका यदि हम सेंटर पॉइंट निकाल लें यहाँ पे, और ये पहिए का सेंटर पॉइंट निकालें, तो यदि ये दोनों जाके जहाँ पे टच करते हैं उन दोनों के बीच की दूरी को, ये वाली को क्या बोलते हैं हम, स्क्रब रेडियस। और ये नेगेटिव कब होगी, जब ये जो किंग पिन का सेंटर पॉइंट है ये जो टच करेगा धरती को, ये इस पॉइंट से बाहर को टच करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यदि कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से किंग पिन लगाते हम, और ये इस तरह से टच होती, और हमारा यहाँ टायर मान लो जी इस प्रकार से होता कुछ, मान लीजिए हमारा टायर है जो इस प्रकार से होता, और उसकी जो ये चीज़ टच होती, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ टच होता, और ये मान लीजिए हमारी धरती होती, तो ये इंटीरियर में टच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमारी, ये पॉजिटिव हो जाती हमारी वो स्क्रब रेडियस। तो मतलब दोनों तरह से होती है स्क्रब रेडियस, तो ये स्क्रब रेडियस का भी आपका आ सकता है पॉइंट। उसके बाद है हमारा टो इन टो आउट,
टो इन टो आउट। जैसे मान लीजिए हमारे ये पहिए हैं दोनों, तो यदि ये पहिए इस ये पहिए की जो फ्रंट साइड है ये पहिए की रियर साइड है, ऐसे इस फ्रंट पहिए की ये फ्रंट साइड है ये रियर, तो यदि ये फ्रंट साइड से क्लोजर है ऐसे और रियर के मुकाबले रियर से ऐसे वाइड है तो इसका मतलब इसको टो इन कहेंगे। फ्रंट से वाइडर है और रियर से क्लोजर है तो इसको क्या कहेंगे हम, टो आउट कहेंगे। और ये हमेशा ज़्यादातर क्या होनी चाहिए, मेरे टो इन होनी चाहिए, क्योंकि जब सामने से हवा आती है तो ये फैलते हैं आगे को, तो कुछ डिग्री ये टो इन होनी चाहिए। जिस प्रकार से जैसे ही हवा का आगे से उसको हवा का जो ब्लो लगे उसको फ्लो आगे से उसको हवा का एक टकराए उसको फ्रंट से रजिस्ट करे तो उससे क्या होगा, वो फैलेंगे और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको टो इन रखा जाता है। तो टो इन टो आउट का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। वो एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट बाय विच द फ्रंट व्हील्स आर सेट क्लोजर, फ्रंट व्हील आर सेट क्लोजर टुगेदर, अपने आप आपस में क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। कहाँ से, एट द फ्रंट, देन किसकी बजाय, रियर की बजाय, तो उसको व्हीकल स्टेशनरी, तो उसको क्या कहेंगे, टो इन। ये टो इन की डेफिनेशन है। ऐसे ही टो आउट इज डिफाइंड एज द अमाउंट बाय विच द फ्रंट व्हील आर सेट क्लोजर एट रियर, रियर में क्लोजर होते हैं, देन किसकी, फ्रंट की बजाय, तो वो क्या हो गया, टो आउट हो गया। यह उस मात्रा को बताता है जिसमें अगले पहिए स्थिर अवस्था में पिछली तरफ की तुलना में आगे की तरफ नजदीक हो, ये टो इन हो गया। इसका उल्टा, अगली तरफ से पिछली की तरफ के मुकाबले क्या हो, नजदीक, तो क्या होगा, टो आउट होगा। पिछली तरफ की तुलना में अगली तरफ से नजदीक है ना, ये तो टो इन हो गया। अगली तरफ से यदि पिछली तरफ से नजदीक होंगे अगली की तुलना में तो क्या होगा, टो आउट होगा, आगे से वो खुल जाएंगे। ऐसे इसको एमएम में नापा जाता है। जैसे उसको हमारा कैम्बर था हमारा, उसको किस में मापते थे हम, डिग्री में, तो इसको मापेंगे हम 0 से 6 mm तक की हमारी रेंज रहेगी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। एमिशन का एक टॉपिक था जो मुझे लगा कि हमें चर्चा करनी चाहिए। एमिशन के टाइप यदि पूछें भी इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो इसमें टाइप बोलते हैं इसको। HC का मतलब होता है, यदि फुल फॉर्म भी आ सकती है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन में ये अशुद्धियाँ निकलती हैं वातावरण में। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड के आगे वो निकलते हैं मॉलिक्यूल वगैरह, पार्टिकुलेट मैटर, कुछ इस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं जो किसी न किसी तत्व में हमारे शरीर में जाके हमें हार्मफुल करती हैं, सल्फर के ऑक्साइड हो गए। और एक हाइड्रोकार्बन का एक और सब कैटेगरी होती है, उसको VOC बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए क्या नुकसानदायक है, जैसे कि CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी कहीं से रिलीज होता है। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं तो ये वातावरण में जाके कहीं ना कहीं हमें नुकसान करती हैं। और इसके लिए हमारी टेक्निक क्या रहती है, एमिशन कंट्रोल की टेक्निक, यदि आपसे पूछा जाए भी कुछ प्रकार की एमिशन कंट्रोल टेक्निक बताएं, तो इसमें मैंने 4 टेक्निक लिखी है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ, हो सकता है इनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन 2 या 3 नंबर में आपके पास आ जाए। तो पहला है फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन का मेथड है जो, वो चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, एमिशन कंट्रोल कर सकते हैं। पहले जो हमारा फ्यूल जो होता था इंजेक्शन, वो कार्बोरेटर से होता था। अब उसको ये सिंगल पॉइंट इंजेक्शन होता था एक ही जगह से, तो उसमें वेस्टेज जाती थी, अधजला हमारा पेट्रोल कई बार चला जाता था या कुछ एब्जॉर्ब हो जाता था तो वेस्टेज होती थी। तो उसको क्या कर दिया गया, मल्टी पॉइंट कर दिया गया। एक प्रत्येक सिलेंडर में इंजेक्ट करने के लिए अलग अलग इंजेक्टर दे दिए गए अलग से, तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन हो गया, MPFI जिसको हम आजकल उसके नाम से जानते हैं पेट्रोल में। तो कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, ये हमारी जो मैनिफोल्ड होती हैं जहाँ से हमारी गैसेज निकलती हैं और जहाँ पे हमारा साइलेंसर होता है उसके बीच में लगाया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर। आप यूट्यूब या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये करता क्या है, ये जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको किस में बदल देगा, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, ऐसे ही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, इसको भी। तो इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, तो ये हमारी जो गैसेज हैं ये इसकी बजाय, मोनोऑक्साइड के बजाय कम विषैली होती हैं, कम हार्मफुल होती है, तो इससे वातावरण में नुकसान कम होगा। आगे है इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल। इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल है उसके जो वेपर बन जाते हैं, वाष्पकण बन जाते हैं, उसको वातावरण में जाने से रोकता है, क्योंकि वो एक बिना बर्न किए अनबर्न पार्टिकल है, वातावरण में जाके कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो उसके जैसे ही वेपर बनते हैं, वेपर
के साथ, फ्यूल टैंक के साथ उसका एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि वो वेपर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके या गैसेज फॉर्म में जाके वो कहाँ पे जाए, हमारी मैनिफोल्ड में जाके बर्न हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है। तो पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन में क्या होता है, क्रैंक केस को वेंटिलेशन की जरूरत क्यों होती है कि जहाँ से मान लीजिए हमारा पिस्टन है, इसके साइड में ऐसे सिलेंडर है और यहाँ पे हमारी मान लीजिए इस तरह के कनेक्टिंग रोड है, तो इसके जो साइडों की दीवारें होती हैं उसमें से कई बार लीक होकर गैसेस चली जाती हैं, उसको बोलते हैं हम ब्लो बाय गैसेस। तो ये जो ब्लो बाय गैसेस गलती से यहाँ चलेगी तो यहाँ पे इस पर क्या बनाएंगी, ये प्रेशर बनाएंगी जो इसको ऊपर नीचे होने में मतलब जो इसका जो प्रेशर है ऊपर से नीचे आने में इसमें दिक्कत देंगी, इसको जो कंप्रेशन है प्रेशर है इसको फ्रीली नहीं देगी, इसकी मूवमेंट में रुकावट बनेगी। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, एक पीसीवी वाल्व लगा के एक यहाँ पे इस तरह से एक ब्रीथिंग वाल्व लगा दिया जाता है, तो जो यहाँ से फ्रेश एयर दे के और इसको पुश करके पीसीवी वाल्व के द्वारा ये जो हमारी गैसेस थी जो गलती से यहाँ आ गई थी इसको एस्केप करके दोबारा से इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा जाकर फिर से अंदर भेज देते हैं, जिससे कि वो अध जले जो हमारे पार्टिकल हैं वो जाकर पूरी तरह से बर्न भी हो जाएं और वातावरण में भी कोई नुकसान ना करें और हमारे इंजन की लाइफ भी बढ़ जाए और उससे क्या है पावर भी अच्छी जनरेट होगी। तो ये पीसीवी वाल्व लगाया जाता है और पीसीवी मेथड भी होता है इसको, तो पीसीवी की फुल फॉर्म भी आ सकती है पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है कि जिसका भी दम घुट रहा हो उसको एक राहत देना, तो यहाँ पे भी इसका दम घुट रहा होता है तो यहाँ से फ्रेश ब्रीथिंग देके इसको एक राहत दे देते हैं, वही एक वेंटिलेशन हमारी आम भाषा में हम कह सकते हैं। एक आता है फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या क्या है, मतलब फिटनेस व्हीकल के लिए यदि हम बात करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट एमिशन में ही आता है हमारा, उसी चैप्टर में ही है हमारा मोटर व्हीकल में। तो हमारा यदि व्हीकल फिट टू यूज़ है तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया, तो इट इज़ अ टाइम पीरियड फॉर विच आवर व्हीकल इज़ फिट टू यूज़, कितने टाइम के लिए हमारा व्हीकल है जो फिट टू यूज़ है। जब हमारा नया व्हीकल लेते हैं, जैसे हम प्राइवेट कार की बात करें, बाइक की बात करें, जो हम पैसेंजर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं प्राइवेट व्हीकल, तो क्या होगा, तो वो 15 साल के लिए उसकी वैलिडिटी दी जाती है। आपको शायद पता भी होगा कि 15 साल के लिए हमारा व्हीकल वैलिड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है। फिर उसके बाद उसको यदि हम एक्सटेंड कराना चाहते हैं कितने साल के लिए करा सकते हैं, प्रत्येक 5 साल के लिए। ये तो बात है प्राइवेट व्हीकल के लिए। और यदि हम कमर्शियल की बात करें, तो जब हम कमर्शियल व्हीकल हम नया लेते हैं तो 2 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती है, और उसके बाद हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आगे लगातार 1-1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं बूस्टर वीडियो सीरीज़ फर्स्ट में आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन होगी होगी, और यदि हमें समय की उपलब्धता होती है तो हम इसका सेकंड वर्जन भी आपको शेयर करेंगे, और आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक शुभ